जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई रही। बाप थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेड कांस्टेबल भागीरथ विश्नोई को यहां गिरफ्तार किया गया। पूरे 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ में उसे गिरफ्तार किया गया। मुकदमे से नाम हटाने के एवज में ये घूस की मांग की और उस पर ये कार्रवाई की गई। हेड कांस्टेबल भागीरथ विश्नोई ने ये कार्रवाई की। 5,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार उसे किया गया। मुकदमे के नाम हटाने के एवज में ये घूस की मांग की गई थी और जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई। जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। घटना विश्वकर्मा थाना इलाके की है, जहां दो ट्रकों के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में फंसे हुए दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला और घायल हुए दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। SMS में उन्हें भर्ती कराया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अजमेर के अराई से है, जहां पर कासीर गांव में एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश और मारपीट का मामला सामने आया। इस दौरान पीड़ित महिला ने बोरुड़ा पुलिस थाने में शिकायत इसके लिए दर्ज कराई, जिसमें पीड़िता ने गांव के ही एक युवक पर शराब के नशे में दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां 2KSR गांव में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते मां और भाई पर चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों और पड़ोसियों की सहायता से दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन दोनों की हालत अधिक गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को ही श्री गंगानगर के लिए रेफर कर दिया। महिला जो थी इस हादसे में, उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है।